सबको गुड आफ्टरनून। ये प्रेस मीट आज साउथ जोन में हमने साउथ वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस में अरेस्ट किए गए 5 एक्यूज के बारे में ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 तारीख जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जो इस केस में डिसीज्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 एक्यूज्ड हैं, A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमन, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5ों लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन एक्यूज को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5ों एक्यूज का नाम इसमें सामने आया है और इन 5ों एक्यूज को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये ज़रूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज जो राउडी शीटर हैं काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन 5ों अक्यूज को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा वाइंस आसिफ नगर में हुआ था, जहाँ पे मर्डर केस था ये भी, जिसमें जो जिसकी मौत हुई थी उसका नाम मुजाहिद था और उस टाइम पे इसके मौत के जिम्मेदार जो एक्यूज लोग थे उसमें A2 कुतुबुद्दीन था और इसी मौत का बदला लेने के लिए, मर्डर का बदला लेने के लिए A1 टू A5 ने ये कॉन्स्पायरेसी करके 13 तारीख की रात इसको मर्डर किया है। रीजन क्या था कुछ? बदले का रीजन था, बदले का रीजन था कि उनके भाई को मारा गया है, इसलिए इसमें जो हमारे A1 A2 और A4 ताहिर इमरान और मुजफ्फर ये तीनों आपस में भाई हैं, A3 अमान जो है इनका बाबा बोलते हैं जो वो है, और A5 जावेद इनका फ्रेंड है, इन सब ने मिलके वो प्रीवियस मर्डर का बदला लेने के लिए एक कॉन्स्पायरेसी रची और इसको बुरी तरह से मार दिया। अगर अटैक करने के टाइम पे पुलिस वहाँ मौजूद होती तो ज़रूर इसको रोका जाता और हर तरीके से इस ये मर्डर नहीं होता। 5 एक्यूज्ड, उनका FSL और अल्कोहल टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ये वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। मर्डर केस की प्रेस मीट, आप एक केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 का केस हुआ था, जिसमें उस आदमी को धक्का दिया गया और गिरने के बाद उसकी मौत हुई है, उसमें इंटेंशन मर्डर का नहीं था, तो इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं। बट येस, जो आप ये वाइन सेलिंग की बात करें उसके बाद अगर आप FIR ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कम से कम 7-8 केस साउथ वेस्ट जोन में आज के दिन में भी 2 केस हुए हैं जहाँ पे इस तरीके की इलीगल तरीके से बेचे जाने वाली शराब को सीज किया जा रहा है। आप हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, ये आप हमें कहाँ पे मिलेगी, किधर भी मिलेगी, हम उसको पकड़ के लाएंगे, प्लीज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन। दूसरे सिलसिले में जो A1 से A5 को पकड़ने में जो बहुत बढ़िया काम किया है हमारी DCP टास्क फोर्स रश्मि मैडम, उनकी टीम अलॉन्ग विद SI शरद चंद्रा, ACP आसिफ नगर किशन कुमार एंड अंडर सुपरविजन ऑफ द टीम ऑफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जी वेंकटेश, ये 5 एक्यूज को पकड़ा गया है और इसी तरह आने वाले टाइम में भी, पहले तो हम ये वादा करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा और होता है तो इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इनको